सपोज दैट एक्स वन एक्स टू एक्स एन आर द आई आई टी नॉर्मल 01, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? तो पहला क्या आया तुम्हारा, ट्रू आया कि फॉल्स आया? कैसे? क्या गए? अब इसमें इसका मीन कितना आएगा? इसका अगर तुमसे मीन पूछ लूं तो कितना होगा? कैसे? और इसका वेरिएंस मान लो सिग्मा स्क्वायर आ गया एग्जांपल के लिए, तो इससे क्या ही फर्क पड़ता है? कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फर्क, हाँ तभी कोई यहाँ पर फर्क नहीं पड़ेगा। सही कह रहे हैं, ऐसे आप सही करें, यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा। बी ऐसे ही हो जाएगा आई थिंक, बी भी इसी तरीके से मीन निकाल लोगे उसका ना, उसी तरीके से बी भी ट्रू हो जाएगा। दिमाग लगाते हो। ठीक है, जो रह गया उसको भेजना है, कोई देखूंगा मैं ऐसा क्या ही है उसमें। वो तो क्वेश्चन तो आसान सा लग रहा है, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूशन याद नहीं अभी तो। यहाँ पे कैसे तुम, पता है तुम्हें सारे क्वेश्चन करने हैं, तुम लगाते। चलो मान लो मैं बोल दूँ इसका मीन कितना होगा, कैसे? अब बताओ अब कितना मीन होगा? सब इंडिपेंडेंट है ना, तो मीन कितना आएगा? कुछ वेरिएंस भी आया होगा इसका, तो फिर से टी माइनस जीरो अपॉन सिग्मा। मान लो इसका सिग्मा वेरिएंस आया, तो जीरो माइनस जीरो अपॉन सिग्मा, जेड मोर देन जीरो। तुम्हारा आंसर जीरो आया था, तो मेरा हाफ आ गया। नहीं, तुम्हारा तुमने जो किया उसमें तो ये होगा। तुम जो कह रहे हो तो कुछ भी बोलते रहते हो बिना सोचे, तुमने तो ये किया ना। एक तो ये बताओ अब ये कौन सा नया फॉर्मूला आ गया कि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ? किसने कहा? तो कभी नहीं लिख सकते ऐसा ही तो रैंडम वेरिएबल के लिए, वो एक अलग बासुस बासुस थ्योरम। नहीं, तो यहाँ पे एक्चुअली
वो बस उस थ्योरम से एक आता है, वो अलग चीज़ है वहाँ पे, तब जाके वो जब वो इंडिपेंडेंट वहाँ पे जाके एंसिलरी और कुछ कॉम्प्लीटनेस यूज होता है तो जाके आता है, वो अलग चीज़ है। एनीवे ठीक है, सीखो इसको सीखो। मेन कंसर्न है कि एग्जाम में तुम कर पाओगे ये ना। देखो जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन मुझे भी आते। मान लो ये क्वेश्चन है, अब मान लो मैं नेट का एग्जाम दे रहा हूँ और ये वाला क्वेश्चन आ गया एग्जाम्पल के लिए, ये कर रहा था तो ये मैं भी छोड़ के आऊंगा इसमें। ये थोड़ी कि मैं 100% करके आऊंगा, सबको सब कुछ थोड़ी आता है, लेकिन हमें देखना है कि हमें जितना आता है वो अच्छे से आना चाहिए ताकि उस टॉपिक के जो क्वेश्चन है वो हम कर पाए। ये चीज़ है, तो ऐसा नहीं कि सबको सब कुछ आता है, मुझे भी सब कुछ थोड़ी आता है, तो इस तरह चीज़ें हैं। लेकिन एटलीस्ट जो चीज़ें आता है वो ठीक से आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो 1 2 तो करेक्ट हो गया। अब थर्ड वाला देखो, sin x2 sin x3, sin x का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा फिक्स तो है नहीं। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ साइन एक्स कैसे निकालेंगे? एक्स अगर नॉर्मल 0 1 है तो एक्सपेक्टेशन ऑफ साइन एक्स क्या होगा? सोच के बताओ इसका आंसर क्या आएगा। ये पूरा फंक्शन क्या है? ऑड फंक्शन है, इवन फंक्शन है? तो जैसे ऑप्शन ए बी किया है उसी तरह से फिर से लेफ्ट में बुला लेंगे, तो फिर से सेम ही हो जाएगा ये कि टी मोर देन 0, और बाद में इसका मीन तो 0 आ गया, तो इसका वेरिएंस कुछ भी रहा हो मुझे तो फर्क पड़ेगा नहीं वेरिएंस क्या आता है। सो फिर से उसी लॉजिक से ये भी ट्रू हो गया। तो ए बी सी तीनों करेक्ट हो गया इसमें। तो अब चौथा का देखो, तो साइन एक्स का मीन तो 0 है, तो साइन एक्स वन का मीन 0 है। अब इन्होंने दूसरे में क्या कर दिया, साइन एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस एक्सटेंड कर दिया। अच्छा, तो एक्स टू प्लस से लेके एक्स टेन तक का इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? मीन तो 0 ही होगा, और तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी ये डी भी करेक्ट, चारों ऑप्शन करेक्ट लग रहा हो गया। आंसर क्या है इसका, क्या है आंसर में? क्योंकि सेम लॉजिक से भी हो जाएगा, अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं एक साइड, सबको एक साइड ले आऊं, sin x1 - sin x2 से लेके x10 तक, तो ये तो वही चीज है। तो इसका तो मीन निकालोगे, इसका मीन 0 है, इसका भी मीन 0 आएगा, तो मीन 0 आ गए तो वही चीज हो गई फिर से, टी मोर देन 0 टाइप का है और टी का मीन 0 है, इसका वेरिएंस कुछ भी आ जाए। तो सेम तरीका, ये जेड बन गया, जेड मोर देन 0 तो हो गया हाफ, तो चारों ऑप्शन ट्रू हो गया, ऑल 4 ऑप्शन आर करेक्ट। ठीक है चलो, आज यही स्टॉप कर। एक क्वेश्चन तुम्हारा, बोलो। कौन से बाद में कर देंगे, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, ठीक है ना, इतना थोड़ी है कि तुम्हारा अपना काम था छोड़ो तुम्हारा थोड़ी करेंगे, तुम्हें एग्जाम देना तुम तैयारी करो ना, ये चीज़ है, इतना वेला थोड़ी बैठे हैं। हाँ वो मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, मैं अवार्ड वापस लेता हूँ। ठीक है जी, बताइए। एक तो बताए तुम्हें कम समझ आए, खुद पढ़ने से एग्जाम निकलता है, टीचर से एग्जाम निकलता है। कौन से ग्रुप में है? क्या पूछना भाई इसमें? दो तरफ रूट लगा देंगे तो क्या होगा?
किसके इक्वल होता है, इसको पता आपको, इसको क्या लिख सकते हैं हम? अरे भाई तो ये तो बेसिक क्लास लोअर क्लास का कॉन्सेप्ट है, ये मॉड टेक्स होता है, तो ये मॉड टी हो गया मोर देन फाइव। नहीं नहीं अब लगाओ ना टी का मीन निकालो, टी का मीन जीरो आ जाएगा, जीरो लेस देन फाइव, तो ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन वेरिएंस ऑफ टी अपॉन 25 हो जाएगा। अरे भाई डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं है, क्यों फालतू में चाहिए सोचे जिसकी जरूरत नहीं है, हमें हमें डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत है इस क्वेश्चन में, तुम नहीं निकालना है, जरूरत नहीं है, क्यों फालतू की चीजें कर रहे हो, तब डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है क्यों टाइम वेस्ट एग्जाम में करोगे, पूछ रहा है कुछ कर कुछ और रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन क्यों निकालेंगे, मत करो उसको, जो जरूरत है उतना ही करो यहाँ से मी, तो यहाँ कोई थ्योरम, यहाँ कोई थ्योरम नहीं है उसका, ठीक है ना, देयर इज नो सच थ्योरम, इसको मीन निकालो यहाँ से, मीन निकालो इसको फॉर्म में ब्रेक करो ना, एक तो टू द पॉइंट, टू द पॉइंट, आप सोचो कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि टू द पॉइंट सॉल्व करोगे तो कम टाइम में सॉल्व होगा, अब बहुत सारी चीज़ें एक साथ करोगे, देखना कि करना क्या है हमें, तो हमें इसमें थोड़ा सा दिमाग बस ये लगाना था कि, क्योंकि चेबीशेव इनइक्वालिटी लाना था ना, चेबीशेव इनइक्वालिटी यूज करने के लिए चेबीशेव का फॉर्म लाना पड़ेगा पहले, चेबीशेव का फॉर्म कैसे आएगा, तभी आएगा, है ना, चलिए ठीक है, थैंक यू।